दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉपर स्टिक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के बारे में। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हो रही है और बहुत सारी परीक्षाएं होनी बाकी है, लेकिन बुरी खबर यह है कि इन परीक्षाओं में जो सेंटर है वहाँ पर जो है चोरियाँ हो रही है, वहाँ पर धांधली हो रही है, और ये जो धांधली हो रही है वो सेंटर की मिली भगत से हो रही है और इसकी बिल्कुल ऑफिशियली जो है जानकारी आ रही है। तो वो सारी जानकारी हम आपको दिखाएंगे ताकि आप सावधान हो जाएँ और अपने जो सेंटर पर कोई भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति आपको नजर आते हैं जो इन गलत काम में संलिप्त हो तो उसकी शिकायत आप वहाँ पर RPF मौजूद होती है वहां पे आप कर सके, ताकि आप जो है परीक्षा आपका चांसेस अच्छा रहे, आपका अवसर बने, आपका अवसर कोई और गलत व्यक्ति ना ले पाए। तो हम वो न्यूज़ आपको दिखाते हैं और देखिए कि किस तरह की धांधली हो रही है सारी परीक्षाओं में और सारी व्यवस्थाओं में, और ये धांधली जो है बिना मिलीभगत के नहीं हो सकती। आपको पता है यहां पे देखिए बिल्कुल लेटेस्ट खबर में आ रहा है कि बिहार के 4 फर्जी परीक्षार्थी धराए, एग्ज़ाम के लिए बाहर निकलते तो मिलते 5,000। यानी कि जो बिहार से लोग आकर के एग्ज़ाम दे रहे हैं अलग अलग सेंटर पे, हो सकता है और स्टेट से भी लोग जा रहे हों अलग अलग सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहे हो। ये कुछ ऐसे मामले हैं जो नज़र में आ रहे हैं मीडिया की, पुलिस की, बाकी भी बहुत सारे मामले हैं जो छुप जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप पूरी खबर ये देख सकते हैं कि तुपुदाना सेंटर में सोमवार को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा लिख रहे बिहार के 4 फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया। सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच RPF ने यह फर्जीवाड़ा पकड़ा और चारों को तुपुदाना थाना को सौंप दिया। ये झारखंड की न्यूज़ निकल कर के आ रही है सामने। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि चीटिंग करते भी एक परीक्षार्थी पकड़ाया, निष्कासित हुआ। उसके बाद देखिए सभी परीक्षा सेंटर को संदेह होने पर तुरंत पकड़ने का आदेश, और ये सारी चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग सावधान रहिएगा क्योंकि अगर इसमें आप पकड़ाते हैं गलत काम में तो आपको जो है ना कभी भी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और आप जो है सरकारी नौकरी पाने से वंचित रह जाएंगे। कुछ ऐसी ही न्यूज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कॉट चीटिंग ड्यूरिंग ऑनलाइन रेलवे एग्ज़ाम, यानी ऑनलाइन रेलवे के एग्ज़ाम में ग्रुप डी में कैंडिडेट जो है पकड़े गए हैं चीटिंग करते हुए। तो ऐसी जो है बहुत सारी जो है खबरें आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से, और प्लीज़ अगर कोई संदिग्ध आदमी आपको नजर आता है तो RPF वहाँ पे होती है, आप उसको शिकायत करें और उनको पकड़वाएं ताकि आपके चांसेस ख़राब ना हो, क्योंकि आप मेहनत करते हो, आप तैयारी करके आते हो दिन रात। तो इसलिए तो ये जानकारी आप लोग को देनी थी, आपको सावधान करना था। तो चलो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दो और दोस्तों में शेयर भी कर दो ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच जाए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।